प्रदेश में जो आपराधिक गतिविधियां आबकारी से संबंधित, अवैध शराब से संबंधित बढ़ रही हैं, उसके लिए आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 का आज किया है। हेरिटेज मदरा एक नई श्रेणी इसमें जोड़ी गई है। इसमें जिनकी जान चली जाती है, ऐसी मदरा का सेवन सिद्ध होने पर अभी तक जो 5 वर्ष अधिकतम 10 वर्ष के कारावार था, उसे आजीवन कारावार किया गया है। मृत्युदंड भी इसमें जोड़ा गया है और 20 लाख तक का जुर्माना, पहले 10 लाख था उसे बढ़ा के 20 लाख कर दिया है। इसी तरह से एक उसमें जो एक न्यूनतम 1 वर्ष की सजा थी, उसे 6 वर्ष, 1 से 6 साल तक की थी कारावास और जुर्माना था, उसे बढ़ा के 10 से 14 साल किया है। ये जो है वो है जो अपमृत्य अनुपयुक्त मदरा सेवन से शारीरिक क्षति जिन्हें हो जाती है, और 10 लाख का जुर्माना किया है। और एक जो अपमृत्य मिश्रा मदरा मिल जाती है उसको भी पहले 6 माह से 4 वर्ष था, उसे बढ़ा के 6 वर्ष से 10 वर्ष कर दिया है। ऐसे अनेक इसमें गंभीर किस्म के हैं। जो अपमृत्य मदरा है उसको अनुपयुक्त पाए जाने पर पहले कुल 2 माह से 6 माह तक का था, उसको बढ़ा करके अब 6 वर्ष तक का किया है 6 माह से। इसी तरह से अपमृत्य मिश्रा सेवन से शारीरिक क्षति हो जाती थी, वो पहले 2-4 माह से 4 वर्ष था, उसे 2 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया है। ऐसे हर श्रेणी के धारा 49 के जो मामले थे, धारा 4 में तो हमारा जो नई हेरिटेज मदरा है वो लिया है, और 49A में ये 4-1, 4-2, 4-3 में इस तरह के मामले लिए गए हैं, जिससे कि ये अवैध काम करने वाले हतोत्साहित हों और लोगों की जान के साथ खेलने का किसी को अधिकार नहीं है। इसके लिए आबकारी अधिकारी पद को भी अधिसूचित किया करने का इसमें डाला है कि इसके अंतर्गत जो लोग निष्पादन में बाधा डाल देते हैं, बीच में शराब पकड़ने जाते हैं तो हमला करते हैं, उनको भी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का इसके अंदर डाला गया है।